मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उसी तरह 2023 का ये जो इलेक्शन है ये हर समाज के लिए बहुत अहम है, क्योंकि जहाँ पर जात जात के बीच में झगड़ा चल रहा है, अभिवृद्धि के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, तो ऐसे वक्त में हमारे हिंदू मुस्लिम भाई जो नौजवान हैं उनके लिए काफ़ी ये एक इलेक्शन बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी का कैंडिडेट है जो एक समाज को बुरी तरह से गालियां दे रहा है, और दूसरी तरफ और एक कैंडिडेट है वो हमारे भाई हैं, वो कैंडिडेट से हमारा कोई शिकवा गिला नहीं है, लेकिन वो जिस पार्टी से ठहरे हैं वो पार्टी पिछले 70 सालों में मुसलमानों का शोषण करती हुई आई है, वो पार्टी हर तरीके से मुसलमानों को कुचल दिए हुई आई है, लोग शायद भूल गए हैं, लोग फिर लोगों को याद दिलाना पड़ रहा है, ये 4% का रिजर्वेशन 1994 में जब देवेगौड़ा मुख्यमंत्री थे उन्होंने दिया, और ये जो हुबली के ईदगाह मैदान का जो मसला था वो देवेगौड़ा जब मुख्यमंत्री थे सीएम इब्राहिम साहब ने हल किया, अभी और जब प्रधानमंत्री बने देवेगौड़ा साहब बाबरी मस्जिद का भी वो मसला हल करने जा रहे थे कि उनका पैर खींचकर प्रधानमंत्री से उतारने वाले ये कांग्रेस वाले, देवेगौड़ा साहब को प्रधानमंत्री से उतारने वाले ये कांग्रेस वाले हैं। तो एक तरफ आपको कैंडिडेट में चुनना पड़ेगा, ये आखिरी वक्त में मेरा टिकट अनाउंस हुआ है, क्यों अनाउंस हुआ है कि हालात अच्छे नहीं है, इंटेलिजेंसी रिपोर्ट कोई ऐसे ही टिकट नहीं देता, इंटेलिजेंसी रिपोर्ट पूरा मेरे बारे में सर्वे करने के बाद मुझे कुमारस्वामी साहब ने बुलाकर टिकट दिया है, इसलिए मैं बीजापुर के खासकर मुसलमानों को ये समझाना चाहता हूँ कि आप कुछ लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बसनगौड़ा साहब ने इनको पैसे देकर इलेक्शन में ठहरा किया है, तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आपको मैं कैसे समझाऊं, पैसे खाकर इलेक्शन ठहरने वाला आदमी मैं नहीं हूं, मैं एक सीधा साधा मीडियम क्लास फैमिली का आदमी हूं। 2010 में जब वो हमारी जेडीएस पार्टी में शामिल हो रहे थे तो मैं एक ही वाहिद शख्स हूँ जो जेडीएस को राजीनामा देकर चला गया था कि ऐसे आदमी को हम हमारे माइनॉरिटी बेल्ट में लेकर नहीं घूम सकते। तो फिर वो पार्टी छोड़ के जाने के बाद फिर कुमारस्वामी को मालूम होने के बाद 2018 में फिर से मैं जेडीएस में आया, तो बहुत कैंडिडेटों के बीच में करने के बाद ये मुसलमानों के गैर कौम के वोट लेने वाला वाइस शख्स महाबरी है बोल के सर्वे करने के बाद मुझे टिकट दिया गया, इसलिए मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे बारे में जो भी गलत वीडियोस गलत ऑडियोस जो भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सरासर झूठ है, मैं खुदा की कसम खा कर कहता हूँ आप लोगों से कि मुझे कोई नहीं खरीद सकता अल्लाह के सिवा, मेरे बारे में आने वाले दिनों में गलत सलत पहले पैम्फलेट छापेंगे कुछ भी करेंगे तो मैं आपके सामने आकर उसके बारे में जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं ऑलरेडी इस आने वाले इलेक्शन में कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर आप मुझे ताकत देंगे, अगर आप मुझे चुन के लाएंगे
तो 100% मुख्य हमारे कुमार स्वामी साहब मुझे मंत्री बनाएंगे, इस शहर की तकदीर खुलने वाली है, आप थोड़ा सोच समझ कर वोट करिए, अभी वक्त बहुत है, आने वाले अभी वक्त बहुत है सोचने के लिए, आप वक्त लीजिए। मेरा गुनाह क्या है बताइए, मैं किसी के पास पैसा खाया हूँ, किसी को नौकरी लगाता हूँ करके बोल के पैसा खाया हूँ, मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ। अगर आपको मेरे बारे में कुछ समझना है तो मेरे पास आइए, दूर बैठकर मेरे ऊपर इल्जाम अल्लाह के वास्ते मत लगाइए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। बसंतगढ़ पटेल मुसलमानों को टोपी बुरका डालकर नहीं आना बल्कि बोले, उस टाइम तो आपने कई बयान नहीं दिया उनका। मैं बहुत से बयान दिया हूँ, मीडिया में तो नहीं है, कई बाइट्स में है, कुछ भी नहीं है। आपके दिया हूँ मैं बाइट्स है आपके, आपको सिर्फ मेरे पिछले बाइट्स जो है मैं आपको भेजूंगा, आप सुनिए पहले। तो कांग्रेस के 27 कैंडिडेट होने के बाद बसंतगौड़ा का जवाब क्यों नहीं दे? महावरी के अंदर ये की ताकत है, महावरी मैं अपनी बड़ापन नहीं कर रहा हूँ, खुदा मुझे ताकत दिया है ये बसंतगौड़ा को जवाब देने का। कांग्रेस के पास दम नहीं था, इसलिए मुझे इलेक्शन खड़ा होना पड़ा। घर में बैठा था मैं, मुझे बुलाकर सर्वे करके टिकट दिया।